कसडोल विकासखंड में पूर्व में पदस्थ बीईओ के एन वर्मा और बाबू दिनेश अनंत का भ्रष्टाचार बीईओ वर्मा के ट्रांसफर होने के बाद भी लोगों के सामने आ रही है। जहां 2 साल पहले अमोदी प्राथमिक शाला में स्वीपर पद पर पदस्थ चंद्रराम यादव के इस्तीफा देने के 2 साल बाद भी विभाग द्वारा वेतन दिया जा रहा है। पिछले 2 साल से स्कूल में स्वीपर ही नहीं है और स्कूल का साफ सफाई बच्चों द्वारा कराया जा रहा है, जबकि शासन बाकायदा स्वीपर पद के लिए तनख्वाह भेज रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा विभाग किस हद तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा नहीं है कि जिले में शिक्षा विभाग पहली बार धूमिल हुई है। अभी हाल ही में मर्दा हाई स्कूल में पदस्थ 9 शिक्षक में से 7 शिक्षकों पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोप था, जो सिद्ध भी हुआ, जिसके बाद 7 को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में देखा भी जा रहा है कि वर्तमान में पदस्थ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान बीईओ कमलेश गुप्ता मामले में जांच की बात कह रहे हैं। जो संज्ञान में लाया गया है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वास्तव में ये गंभीर बात है और इस मामले को मैं दिखवाता हूँ, बीओ से भी जानकारी लेता हूँ और जानकारी लेने के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2017 में उसने रिजाइन किया था, यदि उसके पास वेतन दिया गया है तो उसका जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी।